सो ही गाइस व्हाट इज अप एवरीबॉडी, तो स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल एनएस रिएक्शन। तो सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो उनको, जो हमारे इंडिया के सबसे बेस्ट कैप्टन है और जिन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराया है। और कैप्टन कूल है, इंडिया के बेस्ट फिनिशर है और वो और कोई नहीं MS धोनी जी है। तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो हम सब की तरफ से। तो आज जिस वीडियो पे हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं ना, वो वीडियो उनके एक फैन ने बनाया है, उनके लिए ट्रिब्यूट वीडियो है। तो चलो पहले वीडियो चेकआउट करते और उसके बाद अपना रिएक्शन देते। तो लेट्स गो। यो बूम द थिंग गोस स्क्रिकी फर्स्ट मैच है, डेब्यू मैच जिसमें वो रन आउट हुए थे। और जो अभी कैप्शन आया था कि पीपल्स बोलते हैं कि धोनी लकी है, बट हर कोई मतलब शुरुआत से लकी तो नहीं होता है ना, उनकी भी थोड़ी मेहनत है उसके पीछे। बस हम लक पे तो डिपेंड नहीं रह सकते, उनको भी उनकी भी उन्होंने भी इतनी मेहनत करी है कि वो आज जिस मुकाम पे है वो पाने के लिए उन्होंने ना बहुत मेहनत की है, जो कि मतलब हमको दिखती नहीं। हमको सिर्फ जो अभी का उनका जो मतलब जो इनको इतना फेम मिला है, वो इतना आगे बढ़ गए, वो सब दिखता है, बट उसको पाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है ना, वो हम लोग एक्चुअली नहीं देखते। तो वो एक्चुअली हमको देखना चाहिए। तो चलो वीडियो का आगे देखते हैं। Dhoni departs first ball, and that's most unfortunate. Take wicket, take another look at this. There's not a lot that Dhoni did wrong there. Went onto the back foot, he just didn't get up. Seen a lot of things worn in my time, but a nice pack while you're batting. You've got to really look after him, Gino. Mind you, he has to come back and keep wickets again. So he will be in 44 degrees centigrade. Capitulate.
विकेट कीपिंग और बैटिंग के ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो उनके नाम पे, जो हम सब जानते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा स्टंपिंग और एज ए कैप्टन सबसे ज़्यादा सिक्स मारने का रिकॉर्ड भी उनके नाम पे। 100 फॉर द इंडियन कैप्टन एंड वंस अगेन व्हेन हिज टीम नीडेड इट गाइस वीडियो देख के अभी हो चुका है और मतलब बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी जिसने भी वीडियो ये बनाई, मैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उनका चैनल चेकआउट कर लेना और ये वीडियो भी चेकआउट कर लेना क्योंकि वीडियो बहुत मस्त बनाई है उन्होंने। जो जो पॉइंट उठाए वो स्टार्टिंग से उन्होंने पॉइंट उठाए एक एक, मतलब उनका मतलब लोग बोलते हैं वो लकी है वैसे, और उनका जो अभी तक का जर्नी है उसके जो पॉइंट्स है वो उन्होंने सब मेंशन किए उसमें, तो वीडियो आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर लेना। जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि लोग उनको बोलते हैं कि वो लकी है, बट मेरा ये मानना है कि लक के साथ मेहनत भी करना पड़ता है क्योंकि वो जिस मुकाम पे आज है उस मुकाम पे पहुंचने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है जो उन्होंने करी है, जिसके बारे में हम नहीं जानते। हमने MS धोनी मूवी में देखा है कि उन्होंने कितना सारा स्ट्रगल करके वो आज इस मुकाम पे आए, तो हमें उस पे विश्वास रखना चाहिए, ना कि ऐसा बोलना चाहिए कि वो लकी है। और जब हम सब, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, जब MS धोनी जी का डेब्यू हुआ था वो मैच बांग्लादेश के खिलाफ था उनका जो फर्स्ट मैच था, तो उसमें वो जीरो पे रन आउट हुए थे और स्टार्टिंग में उनका बैटिंग परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं हो रहा था, तो उनको भी थोड़ा सा मतलब दुख हो रहा था उस चीज़ से। और एक मैच ऐसा आया उनके लाइफ में कि सौरभ गांगुली जो थे उस टाइम कैप्टन, उन्होंने उनको थर्ड नंबर पर बैटिंग करने का चांस दे दिया, और उस मैच में धोनी ने खुद को ऐसा प्रूव किया कि उन्होंने सेंचुरी मार दी उस मैच में, जो हम सब लोग जानते हैं। ये मतलब इतने बड़े प्लेयर के बारे में अभी तो सब लोग जानते हैं, उनके बहुत सारे फैंस हैं, जो बहुत सारे लोग उनसे इंस्पायर हुए सब जानते हैं कि उन्होंने वो मैच में सेंचुरी मारा था। वहाँ से उनका जो जर्नी है वो बहुत ऊपर चला गया और आज हम लोग सब जानते हैं कि वो वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन है, सबसे सक्सेसफुल विकेट कीपर है, और जो एज ए कैप्टन सबसे ज़्यादा सिक्स मारने के रिकॉर्ड है वो उनके नाम पे, और ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो उनके नाम पे। उनको इसी यूं ही बेस्ट फिनिशर नहीं बोला जाता क्योंकि मतलब सीन ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे मैचेस उन्होंने ऐसे खेले हैं कि जब इंडिया को ज़रूरत थी एंड में स्कोर करने की तब उन्होंने स्कोर किया, इसलिए उनको बेस्ट फिनिशर बोला जाता है। और कल जो उनके एक बेस्ट फ्रेंड है DJ ब्रावो, उन्होंने भी उनके लिए एक स्पेशल विश, मतलब उनको एक स्पेशल विश दिया है एक सॉन्ग के थ्रू, तो वो हमने एक्चुअली देखा, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, वीडियो ड्रॉप भी किया था बट उस पर कॉपीराइट क्लेम आया तो इसके लिए वो वीडियो ब्लॉक हो गई थी। तो मैं बता देता हूँ उसमें क्या था कि उन्होंने भी उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स उठाए कि जिसमें धोनी की पूरी जर्नी दिखाई है स्टार्टिंग से कि रांची में पैदा हुआ था वो लड़का, मतलब जैसे कि ऑब्वियसली बात है हम सब लोग जानते हैं कि धोनी जो है वो रांची से बिलोंग करते हैं, उनका जन्म वहाँ पे हुआ है, तो वो उन्होंने फर्स्ट पॉइंट उठाया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये था कि वो ऐसे इकलौते कप्तान हैं जिन्होंने इंडिया के लिए तीनों ट्रॉफी जीते हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े, मतलब 2007 का वर्ल्ड T20 चैम्पियनशिप, 2011 का वर्ल्ड कप जो हमारे लिए सबसे प्राउड मोमेंट था, और उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफी मतलब वर्ल्ड चैम्पियन बनाया था, और उसके बाद ऐसा पॉइंट मतलब उसके बाद ऐसे लिरिक्स है कि उन्होंने शुरुआत एज अ टिकट कलेक्टर किया था बट आज वो ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स में से एक है, सबसे सक्सेसफुल क्रिकेटर्स में से एक है, जो कि 100% सच बात है। और मैं फिर से एक बार उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और यही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे ही इंडिया को रिप्रेजेंट करते रहो, हमेशा सबको प्राउड फील कराते रहो और ऐसे ही हिस्ट्री क्रिएट करते रहो। बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल NS रिएक्शन।